और उनका बच्चा घर पे रिजल्ट छोड़ो घर पे वापस जिंदा ना जा पाए, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। ये एक फैक्ट्री है, इंक्यूबेशन फैक्ट्री है यूपीएससी की। और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 95% जो लाइब्रेरीज है सर वो सारी की सारी बेसमेंट में ही बनी है। आज तो एक जगह हो गया ये घटना सर, कल हर जगह पे हो सकता है। वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं और जब कोई त्रासदी होती है तो अपने घर पे बैठ के लेटर लिखते हैं सर। सुबह उनके पेरेंट्स पूछेंगे क्या हुआ, उनको क्या जवाब देंगे कि आपके बच्चों के पढ़ते पढ़ते मौत हो गई। मैं जिम्मेदार, पहली बात तो प्राइमरी जिम्मेदार तो हमारी जो एमसीडी है जो जिनकी देखरेख में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो है। सेकंड हम मेरे हिसाब से जो अक्यूज होने चाहिए वो हमारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो उनके डायरेक्टर होने चाहिए, बिकॉज उनके नेतृत्व में ही जो बिल्डिंग है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रॉपर ध्यान नहीं गया जाया गया है। उसके वजह से आई थिंक द मेन कल्प्रिट हियर इज द एमसीडी एंड द डायरेक्टर हु नेग्लेक्टेड द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। ये कोई आई वुड से कि पहली बार हुआ, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो आउट ऑफ द ब्लू हो गया और हम सब लोगों को मक्खियों ने काटा और हम सब रोड पे इकट्ठे हो गए। ये रीअकरिंग एक सिचुएशन है। दूसरा ये है कि एमसीडी हमारा रिपीटेड ऑफेंडर है। यहाँ पे सारे बेसमेंट में वॉशरूम चोक होता है, यानी सीवेज जो है वो बैक मारता है। सीवेज बैक मारने का मतलब है जितना भी सीवेज है वो बेसमेंट के वॉशरूम से बाहर आता है, यानी जो बच्चा अंदर है वो अंदर के पानी से भी फंस गया और बाहर से भी वो पानी से फंस गया। एक मिनट, हम लोग जिन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं। यहाँ के डायरेक्टर्स और फैकल्टीज क्लेम करते हैं कि ये लोग पॉलिसी मेकर्स हैं और ये लोग जो है गवर्नेंस वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें एक्सपर्टीज रखते हैं। तो क्या इन लोगों को नहीं पता था कि किस तरीके से ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर्स कैन अकर? क्या इनको ये नहीं पता था कि बिल्डिंग्स में फायर एग्जिट होना जरूरी है, फ्लड एग्जिट होना जरूरी है? आप लाखों की तादाद से बच्चों को यहाँ पर बुलाते हैं, उनसे फीस इकट्ठी करते हैं, उनके माँ बाप को झूठे आश्वासन देते हैं कि आपका बच्चा हमारी देखरेख में सुरक्षित रहेगा और वो उसको करने, ये अपनी जो छोटी सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी जो बनती है, जो माँ बाप फी पे करके एक चीज एक्सपेक्ट करता है फैकल्टी से और उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट और कोई चीज एक्सपेक्ट करता है कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। यहाँ पे उनकी जान के साथ जानबूझ के खेला गया है, क्योंकि 3 दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट वॉज इनफ टू ओपन द आईज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। एवरीवन केप्ट मम ओवर इट। लास्ट ईयर मुखर्जी नगर में फायर, सुनिए हमारी बात, आपका सवाल मैं सॉरी बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगी। आपको यहाँ पर समझने की ये जरूरत है कि हम यहाँ पे एस्पिरेंट्स हैं और हम कोई भी पॉलिटिकल मुद्दे एंडोर्स करने यहाँ पर नहीं आए हैं। तो यहाँ पर हमारे जो दोस्त हैं उनकी जाने गई है, तो यहाँ पे ये बहुत ही एक सेंसिटिव इशू है। यहाँ पे इसको हमको पॉलिटिसाइज नहीं करना है। यहाँ पे हम मीडिया से, हम पुलिस से, हर किसी से इस इशू पे सेंसिटाइज्ड जो है एक बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि हमें अभी तक नजर नहीं आया है। प्रशासन चुप है, जो राव सड़ी सर्कल का डायरेक्टर है वो चुप है, और तो और उनकी सारी फ्रेटर्निटी चुप है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ओल्ड राजेंद्र नगर का वो चुप है, बिजली विभाग चुप है, पानी विभाग चुप है, हर जगह से चुपी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस ट्वीट कर रहे हैं और पॉलिटिशियंस आ रहे हैं। दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक
टेक केयर ऑफ द कॉमन सिटीजन। हम उससे ज्यादा इस इशू के ऊपर पॉलिटिसाइज कमेंट्स पास नहीं करना चाहते हैं। जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी डिमांड्स है, दे आर रेस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी वांट द कल्प्रिट हु इज मिस्टर वेद गुप्ता टू कम हियर, क्योंकि उनका यहाँ पे ना होना सिर्फ और सिर्फ ये चीज नहीं दिखाता है कि वो कितने चैन से इस इशू के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, वरना अभी तक उनकी नींदें उड़ जानी चाहिए थी। यहाँ पे लाइनों से तादार से यहाँ पे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स को प्रेजेंट होना चाहिए था। मेरे माँ बाप ने मुझे कैसे यहाँ भेजा है वो उन्हें पता है, और उनका बच्चा घर पे रिजल्ट छोड़ो घर पे वापस जिंदा ना जा पाए, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। ये एक फैक्ट्री है, इंक्यूबेशन फैक्ट्री है यूपीएससी की, और हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इट इज अ वेरी वेरी शेमलेस थिंग। आई एम वी वांट द पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट टू शो अप एंड टेक द रिस्पांसिबिलिटी। ने सेक्रेटरी को लेटर लिखा है कि 24 घंटे में इसको इन्वेस्टिगेट करे और रिपोर्ट चौबीस घंटा पता है आपको कितना होता है? उस 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा पैनिक अटैक्स उसके उन बच्चों के पेरेंट्स को आ रहे होंगे, जो यहाँ पे दोस्त सगे संबंधी फ्लैटमेट्स रूममेट्स जो है, जिनके रूममेट्स वापस नहीं आए हैं, उनके फोन कॉल्स नहीं लग रहे हैं, वो लोग जो स्लीपलेस नाइट्स के थ्रू जो जा रहे हैं, डू यू रियली थिंक 24 आवर्स इज जस्टिफाइड फॉर देम? यहाँ पे फॉरगेट अबाउट द रिपोर्ट, यहाँ पे हमको ऑफिशियल्स जो यहाँ पे पुलिस जो खड़ा है, हमारे जो आईएएस जो आए थे, हमारे आईपीएस जो यहाँ आए थे, वो हमको प्रॉपर बॉडी काउंट्स नहीं दे रहे हैं। हम इसलिए सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जिस हिसाब से इंसिडेंट हुआ है, जितने बच्चे अंदर थे और जिस फोर्स से पानी अंदर गया होगा, और 12 फीट का पानी है और पिछले 8 घंटे से पानी बाहर नहीं आया है, डू यू रियली थिंक 3 बॉडी काउंट्स इज एक्चुअली एन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन? 3 बॉडी काउंट्स इज अ मॉकरी अगेन। प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों हमको शांत करने के लिए, ताकि कल को हम ये ना बोले कि दिस इज लिटरली आई वुड से इट्स अ मास ट्रेजेडी। यहाँ पे 3 या 4 लोगों नहीं, यहाँ पे 20 से ज्यादा लोगों की लाइफ को थ्रेट पहुंचा है, और मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे लोग मिसे हैं, ये भी झूठ है। दीज नंबर्स आर लिटरली टैम्पर्ड विद, इन लोगों के पास कोई सही वैलिड हमारे पास रिपोर्ट इन्होंने नहीं दी। एमसीडी ने कहा है कि ये आपदा है। सर मैं मानूंगा ये पूरी तरह से लापरवाही है। सर मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, आधा घंटा बारिश होने पर सर घुटनों तक पानी आ जाता है, और ये सर 2 सालों से लगातार हो रहा है। सर आपदा वो होती है जो कभी कभार होती है, एक बार होती है। सर हम 2 साल से देख रहे हैं ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात सर, मैंने अपने मकान मालिक से बात किया, उन्होंने बताया कि वो 10 से 12 दिन से जाकर काउंसलर से यहाँ बोल रहे थे लगातार कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन वो नालों की कोई सफाई नहीं करा रहे हैं सर। तो यहाँ पे ये जो हमारे काउंसलर्स हैं, ये उनका भी फेल्योर है। तीसरी बात सर, मैं ये देख रहा हूँ कि हमने पढ़ा है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे मैं वो हाल देख रहा हूँ कि पहले इन्होंने लाइट काटा, उसके बाद सर सारी लाशें निकाल दी, उसके बाद यहाँ पे बच्चों को हटाने के लिए वहाँ पे पूरी पुलिस जुट गई और लाठी डंडे लेकर खड़ी है। 300 से ज्यादा लोग आज प्रशासन के खड़े थे सर, 100 से ज्यादा पुलिस वाले खड़े थे, एनडीआरएफ की टीम खड़ी थी, बाकी लोग भी खड़े थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगर 10 दिन पहले मानसून जब आने वाला था, ये 300 लोग तब क्यों ना तत्परता दिखाकर खड़े हुए? सर 6 दिन पहले सर पटेल नगर में हमारा एक दोस्त था, मेंस की तैयारी कर रहा था सर, उसका करंट लगने से डेथ हो गया। आज 3 जो डेथ हुई है सर, अभी इनके साथ पेरेंट्स को पता। सर पहली डिमांड है कि जितने भी कल्प्रिट लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उससे पहले सर इमीडिएट डिमांड है कि जितने डेथ काउंट है और सर जितने इंजरी है वो हमको साफ बताया जाए। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं डिजास्टर के लोगों के साथ यहाँ पे खड़ा था, उन्होंने मुझे बताया, पता नहीं सच बताया झूठ बताया मुझे नहीं पता, उन्होंने यहाँ पे बताया कि अराउंड 8 to 10 कैजुअलिटीज की बात उन्होंने मुझे बताई जो डिजास्टर के लोग थे। सही बताइए गलत बताइए मुझे नहीं पता है सर, पर उन्होंने मुझे ये बताया। तीसरी बात सर, मुझे हमें वीपी गुप्ता चाहिए, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 95% जो लाइब्रेरीज हैं सर वो सारी की सारी बेसमेंट में ही बनी है। आज तो एक जगह हो गया ये घटना सर, कल हर जगह पे हो सकता है, तो हमें सर वो सारे लोग चाहिए, वो ये सिस्टम बंद होना चाहिए। पैसे ये लोग सर अंधा ले रहे हैं, यहाँ के मकान मालिक हो या लाइब्रेरी वाले हो। सर यहाँ पे एक एक रूम जिसमें दो दो बच्चे रह रहे हैं उसका टोटल रेंट 20,000 है। आपको क्या लगता है, बिल्कुल एमसीडी की भी गलती है सर, करप्शन वहीं से चालू होता है।
फिर उसके बाद से दूसरी गलती यहाँ के कोचिंग वालों की है, क्योंकि करप्शन तो सर वहीं से शुरुआत होता है ना, ध्यान उन्होंने नहीं दिया। सर, देयर इज नो वन टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी हियर, वी वांट समवन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू कम हियर एंड टेक द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द पीपल, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स हियर। और यहाँ पर सर एक ट्वीट करने से, एक लेटर लिखने से अपने इसी कमरे में बैठ के सर क्या भविष्य लोगों का यहाँ पे सुधार रहे हैं सर? यहाँ पे वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं सर, वोट मांगने आते हैं तो घर तक आते हैं, और जब कोई त्रासदी होती है तो अपने घर में बैठ के लेटर लिखते हैं सर। हाउ इज इट जस्टिफाइड सर? पहला डिमांड हमें इस राहुल आईएएस के डायरेक्टर जो भी है वीपी गुप्ता, वो हमें चाहिए, कल सुबह तक चाहिए। दूसरी चीज, हमें एमसीडी के डायरेक्टर चाहिए यहाँ पे। तीसरी चीज, 24 घंटा नहीं, अगर कल को किसी भी पुलिस वाले का या किसी भी पॉलिटिकल जो भी हैं उनके बच्चे के साथ ऐसा होता ना, तो अभी बवाल हो चुका होता, अभी के अभी सारा पुलिस आ जाता, तुरंत सुप्रीम कोर्ट खुल जाता, हर कुछ तुरंत हो जाता, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं आगे बताती हूँ, ये कोचिंग वाले हमसे 2-2 लाख रुपए लेते हैं। किस बात की ले रहे हैं ये 2-2 लाख रुपए? और सिर्फ ये नहीं, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडरग्राउंड है, एक वॉशरूम है, वो भी इतना घटिया सैनिटेशन है उसका, एक डोर है, थम से वो खुलता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगा वो खुलेगा नहीं, सारे अंदर फंस जाएंगे, कौन जिम्मेदारी देगा? यहाँ बच्चे कुछ गलत नहीं कर रहे थे राहुल आईएएस में बैठ के, अगर सुबह उनके पेरेंट्स पूछेंगे क्या हुआ, उनको क्या जवाब देंगे कि आपके बच्चों के पढ़ते पढ़ते मौत हो गई? वाओ, व्हाट एन आंसर, पढ़ते पढ़ते किसका मौत होता है?